मैं मंच कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। आज देखिए मेरे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर रितेश चौधरी जी, बहुत स्वागत सर आपका। और हमारे साथ में डॉक्टर सीमा पांडे जी मौजूद हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे भी सवाल जवाब होगा। और साथ ही डॉक्टर विक्रम सिंह हमारे साथ में मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत स्वागत। मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी अपना परिचय विस्तार से देना चाहें और बताना चाहें कुछ, तो सबसे पहले परिचय, उसके बाद शुरुआत आगे कार्यक्रम की और सवाल जवाब की। मैं डॉक्टर रितेश चौधरी कानपुर से हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट डायबिटीज स्पेशलिस्ट हूँ कानपुर में। MD इंटरनल मेडिसिन, PG डिप्लोमा डायबिटीज और 2 फेलोशिप किया है मैंने डायबिटीज़ में। और मेरा इंटरेस्ट बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा है। बच्चों के लिए मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ वहाँ पर। और अभी कुछ दिनों में हम लोग और एक जैसा मंच है उसी हिसाब से एक टाइप 1 पे एक बच्चों को बुला करके एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं कुछ दिनों में। अगले साल प्लान कर रहे हैं इसको करने का जी। तो, विक्रम जी। माई सेल्फ डॉक्टर जे विक्रम सिंह, आई एम फ्रॉम बांदा। आई डिड माई MD पीडियाट्रिक्स फ्रॉम झांसी एंड डूइंग प्राइवेट प्रैक्टिस एंड रनिंग ए नर्सिंग होम विक्रम चाइल्ड केयर सेंटर बांदा। सीमा मैम जी। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम सीमा पांडे है और मैं एक, जैसा मैडम ने बताया, मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। अभी लेटेस्ट में मेरी सब स्पेशलिटी है इनफर्टिलिटी एंड IVF। और मैं आजमगढ़ जिले के एक अतरौलिया नाम के गांव पे एक IVF एंड लैप्रोस्कोपी सेंटर चलाती हूँ। मेरा मेन पैशन जो है, मुझे ये लगता है कि आज की ज़िंदगी में 80% बीमारियां और प्रॉब्लम इंक्लूडिंग इनफर्टिलिटी जो हम झेल रहे हैं वो फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। और इसलिए जो मेरा मेन एम था वहाँ जाने का, वो हमें अपने ग्रामीण क्षेत्र को इन बीमारियों से समय से पहले सचेत करके बचाना। तो इस वजह से मैं वहाँ पे पिछले 20 सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। गांव की स्त्रियों और स्कूल की जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं उनके बीच हेल्थी लाइफस्टाइल एडॉप्शन के बारे में, और PCOD एक बीमारी होती है जो आजकल एक भयंकर महामारी का रूप ले चुकी है, उसके बारे में जागृत करना ही मेरा मिशन है। बिल्कुल। तो देखिए अलग अलग सेक्टर या हम कह सकते हैं अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर्स आज हमारे साथ में मौजूद हैं। और ये वो बीमारियां हैं जो आज के लाइफस्टाइल की वजह से हम सब पर ज़्यादा असर करती हैं, या फिर जनसंख्या में अगर हम देखें तो ये वो कॉमन बीमारियां हो गई हैं जो लगभग हर दूसरे व्यक्ति में मिल ही जाती हैं। मैं आज शुरुआत करूंगी सीमा जी के साथ में। सबसे पहले सीमा जी ने कहा कि महिलाओं की बहुत सी समस्याएं होती हैं और ख़ासतौर पर ये वो समस्याएं होती हैं महिलाएं जिन पर खुलकर बोल भी नहीं पाती, इसलिए शुरुआत भी महिलाओं से। सीमा जी, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं आज की अगर देश की बात करें तो जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो अपनी बात को थोड़ा सा आसानी से व्यक्त कर लेती हैं, कह लेती हैं, समझा लेती हैं। लेकिन वहीं उन महिलाओं की बात करें जो अपनी बात को नहीं कह पाती, नहीं डॉक्टर्स को भी समझा पाती, उनके लिए डॉक्टर्स आखिर क्या करते हैं और किस तरह से उनकी बात को समझ पाते? क्योंकि देखिए, स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोगों की समस्याओं को समझें, उन लोगों की समस्याओं को भी समझें जो कह नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते। उसके लिए आप क्या करती हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि एम्पैथी, उसको मतलब हिंदी में जो कैसे बोलूँ कि जो आपके बीच में संवाद की ज़रूरत नहीं होती किसी के दुख सुख या खुशी को समझने के लिए। अगर डॉक्टर एम्पैथेटिक है, वो अपने पेशेंट को बोलने का समय दे रहा है, तो जो कुछ भी बात है उसमें से वो निकाल करके उस चीज़ को समझ सकता है। शुरुआत आपको करनी पड़ती है कि आपको उनसे पहले बात करके उनके अंदर से वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। पहले मेरे पास महिलाएं आती थी तो उनसे पूछते थे कि आपको लास्ट पीरियड कब आया था, तो कहते थे मेरे हस्बैंड को बाहर से बुलाइए, वही बताएंगे। लेकिन अब बदल रहा है इंडिया और आज उस गांव में बैठ के मैं आपको बता सकती हूँ कि जो महिला मुझे दिखाने आती है वो इतनी एम्पावर्ड है कि वो अपने शब्दों का चयन गलत हो सकता है लेकिन अपनी प्रॉब्लम को मुझ तक पहुँचा लेती है। उसके लिए वो ईज चाहिए, आपके बीच में वो रेपो चाहिए कि वो आपसे अपनी बातें खुल के कह सके, वो कॉन्फिडेंस चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए, सशक्त भारत की सशक्त महिलाएं हैं, अभी अपनी बात उठाना भी जानती हैं और अपनी बात कहना भी जानती हैं। और जो नहीं कह पाती उसके लिए डॉक्टर्स, जिन्हें भगवान का रूप कहा जाता है, और ये वो डॉक्टर्स होते हैं जो आपके दिल की बात भी समझ लेते हैं और यही वो डॉक्टर्स हैं जो आपका इलाज भी करते हैं। हमारे साथ में और भी डॉक्टर्स मौजूद हैं, रितेश चौधरी जी के पास चलते हैं। रितेश जी डायबिटीज़ में स्पेशलिस्ट हैं। रितेश जी, बहुत स्वागत आपका एक बार फिर से कार्यक्रम में। डायबिटीज़ भी एक ऐसी बीमारी है ना, मुझे लगता है डायबिटीज़ में भी कई टाइप्स होते हैं और आज के समय में बहुत
सारे लोगों को ये इफेक्ट कर रही है, किस तरह से इससे बचना होगा, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा कम शब्दों में ये बताएं, और साथ ही साथ ये आखिर इतना ज्यादा क्यों हुआ, क्या लाइफस्टाइल जिम्मेदार है इसके लिए? सबसे पहले डायबिटीज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा इसके दो फैक्टर्स हैं मुख्यतः, एक जेनेटिक, दूसरा एनवायरमेंटल। जेनेटिक फैक्टर जो हमें अपने पूर्वजों से मिला है, जिसको डायबिटोजेनिक जीन कहते हैं, हमारे में नहीं, पूरे अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया जितने भी कंट्रीज हैं, ये डायबिटोजेनिक लीन इंडियन, हम लोग फेनोटाइप, इंडियन फेनोटाइप कहते हैं उसको। तो ये फेनोटाइप एक ऐसा है, जेनेटिक प्रीडोमिनेंट है हमारे में, जिसमें कि डायबिटीज होने की संभावना कम उम्र में होती है, इन कंपैरिजन टू कॉकेशियन काउंटर पार्ट जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, उनके कंपैरिजन में। ये तो जीन है, इसमें हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें कि आपने कहा लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल ओवर द टाइम बहुत ख़राब हो गया। जो पहले हम शरीर से अपना कार्य करते थे, सब कुछ फिजिकल होता था, आदमी सुबह उठता था, जाता था खेत खलिहान, कार्य करता था, शारीरिक परिश्रम करता था, वो सारा चीज़ खत्म हो गया। अल्टीमेटली हमारे पास सुख सुविधाएं विद द एडवेंट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजी हमारे पास इतना ज़्यादा हो गया कि हम अब अपने शरीर से कोई कार्य लेना नहीं चाहते हैं। आप एक छोटा से छोटा कर्मचारी का भी उदाहरण ले लीजिए, वो सब्जी खरीदने जाएगा, बाइक स्टार्ट करेगा, वहीं जाके बोलेगा मुझे 2 किलो आलू। यानी लाइफस्टाइल में जो चेंजेस हुए, इसकी वजह से भी बहुत बच्चों में मोटापा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत शुरुआत के फेज से ही स्कूल में, क्योंकि बच्चे जो प्लेग्राउंड में खेलते थे वो प्लेग्राउंड या तो खत्म हो गई हैं रैपिड अर्बनाइजेशन और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण, और ये सब अल्टीमेटली फैक्टर हमारा जो मोटापा, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये अल्टीमेटली वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि जो हम जीन जो ऑलरेडी लिए हुए हैं उस पर वो प्रभावित, उस पर वो एडेड इफेक्ट इम्पैक्ट करता है, और बहुत अर्ली एज में, बहुत कम उम्र में हमें डायबिटीज हो जाता है। बिल्कुल, यानी लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों से बच सकते हैं, काफी दिनों तक बचाव कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंज के कारण। जी बिल्कुल, डॉक्टर विक्रम सिंह साहब भी हमारे साथ में मौजूद हैं। विक्रम जी, डायरिया और निमोनिया क्या है, क्योंकि ये भी है जो बहुत ज्यादा असर करती है लोगों को, और इसके चलते बहुत सारी मौतें हम सुनते हैं, आंकड़े जब सामने आते हैं तो ये हैरान कर देने वाले होते हैं। थैंक यू। ये डायरिया वायरल बीमारियां हैं, 98% तक बच्चों में ग्रसित होते हैं। बच्चे जो वायरल चेंजेज होते हैं, मौसम में अचानक बदलाव, अचानक खान पीन में तब्दीली, जिसकी वजह से वोमिटिंग, लूज मोशन, फीवर आना, ये बच्चों में बहुत ही कॉमन बीमारी है, और इससे बहुत ही ज़्यादा पेरेंट्स भी डिस्टर्ब होते हैं, बच्चा तो डिस्टर्ब होता ही है, कुछ बच्चों को भर्ती भी करना पड़ जाता है, बोतल इंजेक्शन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। 80-90% बच्चे तो ORS का घोल, सिंपल दवाओं से घर में ही ठीक हो जाते हैं। इसी क्रम में निमोनिया, मौसमी बदलाव, जहाँ ठंडक, सर्दी, गर्म हवा का प्रकोप, खान पीन में कोई ठंडी चीज़ें खा पी लिया, बच्चों की सांस लेने की तकलीफें, बुखार, खांसी, जुखाम, ये यूजुअली हर घर में देखने को मिलता है। ये बच्चों को बचाव के लिए ठंडी चीज़ों से देने या ठंडी हवा में खेलने ना दें, जिनसे बचाव हो सकता है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती हैं वैक्सीन्स, जो इस समय बच्चों को अच्छी अच्छी बीमारियों से बचाने के लिए नई टेक्नोलॉजी से नई वैक्सीन्स उपलब्ध हो गई हैं, जिनको वैक्सीन देने से ये बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। निमोनिया से बच्चों में सांस लेने में तकलीफ, खांसी, ये सब प्रॉब्लम आने लगती हैं। कुछ बच्चे तो घर की रेमेडीज से, सिंपल भाप वाप देने से ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। निमोनिया से ग्रसित होने के बाद बच्चे इतने ज़्यादा सीरियस भी हो जाते हैं कि कुछ बच्चों की मौत तक हो जाती है। तो बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मौसम जहाँ चेंज हो, बच्चों को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए अपने अकॉर्डिंग उनका उपाय करें, तो तुरंत डॉक्टर से मिलकर के दवाइयां मुहैया कराएं। बिल्कुल, यानी डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर कभी कभी बुखार आने पर या नॉर्मल बीमारियों में डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, वो खुद ब खुद यहाँ पर डॉक्टर अपने मन से कोई ना कोई दवाई देते हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा हानिकारक भी हो जाता है। एक बार फिर से मैं सीमा जी का रुख करना चाहूँगी। देखिए, कोरोना काल एक ऐसा वक्त था, मुझे लगता है, जिसने डॉक्टर्स की अहमियत जनता को, देश को सिखा दी, देश ही नहीं मैं तो कहूंगी पूरी दुनिया को सिखा दी। और ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स असल में भगवान की तरह नजर आने लगे। पहले सिर्फ कहे जाते थे, हम सब ने देखा कि डॉक्टर्स बस मिल जाएं, लोग ये चाह रहे थे। और ये वो वक्त था जब डॉक्टर्स ने भी फ्रंट लाइन पर आकर जनता की मदद की, सेवा की,
असल में सेवा जिसको कहते हैं वो किया। आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ सीमा जी, सबसे पहले आपसे, अभी हमारे साथ में ब्रजेश पाठक जी, आपसे कुछ देर पहले थे, वो स्वास्थ्य चिकित्सा देखते हैं और बहुत काम कर रहे हैं उस विभाग के लिए। आप लोगों को क्या लगता है सरकार का कितना सपोर्ट मिल रहा है, या सरकार में और कौन सी चीजें हैं जो होनी चाहिए, सरकार से किस तरह के सपोर्ट की उम्मीद है ताकि डॉक्टर और ज्यादा बेहतर काम कर सके? थैंक यू गरिमा। तो गरिमा जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जी को सुन रही थी और वो हेल्प देख रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि भारत बहुत बड़ा देश है और जैसा हमने बात की, उत्तर प्रदेश सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, तो जितना भी काम हम करेंगे उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचने में, जिस वक्त एक महामारी का माहौल होता है उस वक्त कितना भी किया जाए वो कम दिखाई पड़ता है। तो ऐसे में हमारी जो सरकारी चिकित्सा तंत्र है, और जैसे मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, तो ये हम लोगों के बीच में एक कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होनी चाहिए कि हम दोनों को मिल के काम करना चाहिए। जहाँ पे सरकारी तंत्र नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे हमें जाकर के, जैसे कि अभी आपने डेंगू की बात की, डेंगू आउटब्रेक आजमगढ़ में, मुबारकपुर एक कस्बा है जो आप बनारसी साड़ी गोल्डन वाली पहनते हैं, आपके मैरिज ट्रोजियो की सबसे इम्पॉर्टेंट साड़ी नॉर्थ इंडिया की मानी जाती है, वो मुबारकपुर में बनती है, वहाँ पे अभी डेंगू का सीवियर आउटब्रेक है। सरकारी चिकित्सा पूरी तरह से चरमरा गई थी, इतना ज़्यादा वहाँ पे वो था। तो ऐसे में एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर मेरे बहुत सारे पेशेंट वहाँ से आते हैं, तो मेरा एक अपनी तरफ से एक छोटी सी कोशिश उस समाज को कुछ वापस देने की, सरकार के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने की उस स्वास्थ्य सेवा में, है कि मेरा एक ऑनगोइंग कैंप चल रहा है जहाँ पे पेशेंट को फ्री में देखा जाता है, 7 डेज का फ्री ट्रीटमेंट, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट काउंट और शुगर की जाँच की जाती है। तो ये 7 दिन चला, अब वीकली इसका फॉलोअप है और अभी डेंगू वहाँ 90% से ज़्यादा कम हो गया, अगले एक अब महीने महीने पर वो मेरा कैंप चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार से बस मैं ये उम्मीद करती हूँ कि उसकी जो नीतियाँ हैं उसमें वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, और उसमें डॉक्टर को थोड़ा सा और ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन जगहों पे दी जाएंगी जहाँ पे आपको डॉक्टर नहीं मिलते, उनके बच्चों को पढ़ने की जगह, उनको प्रॉपर रहने की जगह, तो शायद ये सारी समस्याएं और अच्छे से ठीक। मुझे लगता है सरकार के साथ साथ यहाँ पर देखिए जितनी जनता मौजूद है, बाकी या देश प्रदेश की जो जनता है, अगर जनता का सहयोग मिलेगा तो सरकार की नीतियाँ और सरकार की योजनाएँ बेहतर काम कर पाती हैं। इसलिए जनता के सहयोग की भी हम पूरी तरह से अपील करते हैं, क्योंकि उसके बिना संपूर्ण विकास संभव नहीं है। मुझे लगता है आप सब इस बात से सहमत होंगे। अब महिलाएं भी बहुत सी मौजूद हैं, मैं चाहती हूं कि महिलाएं भी अपने सवाल करें, क्योंकि आधी आबादी पूरी बुलंदी के साथ जब तक नहीं बोलती है तब तक किसी कार्यक्रम में मजा नहीं आती है। बिल्कुल। हेलो, मेरा नाम सृष्टि है, मेरा सवाल सीमा मैम से है। मैम, जैसा हम जानते हैं कि IVF का प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली है, तो हमारे समाज के वो लोग जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जब वो आपके पास आते हैं और उन्हें IVF करवाना होता है, तो उसको आप कैसे डील करती हैं? थैंक यू सृष्टि। तो मैं अग्री करती हूँ कि जो इनविट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब का ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा है, और हमारा भारत सरकार का हेल्थ बजट अभी इतना नहीं है कि उसमें एज रूटीन आपके आयुष्मान में या किसी भी स्कीम में उस ट्रीटमेंट को इंक्लूड किया जाए। ग्रेजुअल कुछ कुछ बड़े शहरों में किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमारे यूपी में अभी नहीं है। तो ऐसे में जो लोग, मेरा जो बैठने का अतरौलिया रीज़न था, एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न था कि उन लोगों तक, देखो, ए फॉर एप्पल और एच फॉर हेल्थ, ये कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई बॉम्बे में बैठा हो, अमेरिका में बैठा हो, या मेरे गाँव में अतरौलिया में बैठा हो। तो उसको करने के लिए थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से वो करना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए मैंने कुछ स्कीम्स रखी हैं, जैसे कि मैं 3 IVF महीने में कोशिश करती हूँ फ्री करने की। उसके मैंने कुछ नॉर्म्स बना रखे हैं, जैसे कोई रिक्शा चला रहा है लेकिन उसको वो नहीं कर सकता, लेकिन उसको IVF के बिना बच्चा नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ फार्मा कंपनीज की मदद लेती हूँ, मैं अपने लेबोरेटरी से छूट कर देती हूँ, और ये सब करके उनका IVF जो है, कुछ लोग का फ्री में, कुछ लोग 10-20-50 हज़ार, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उस तरह से करने की कोशिश करती हूँ, और भगवान की दया से वो अच्छा चल रहा है। बिल्कुल।
बिल्कुल, तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कि डॉक्टर्स भगवान का अब सिर्फ रूप नहीं होते, बिल्कुल भगवान की ही तरह होते हैं, और वैसा ही अभी सीमा जी ने कहा, बहुत सराहनीय ये कदम है, और मुझे लगता है कि अगर सभी डॉक्टर्स इस तरह से थोड़ी थोड़ी पहल करने लगेंगे तो देश का विकास बहुत तेजी से होगा, क्योंकि देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम एक सवाल करना चाहती हूँ, उनको जोड़ लेते हैं उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, माइक प्लीज़ उन तक पहुँचाया जाए। मैं ताहिरा हसन, वीमेन एक्टिविस्ट हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं सभी से, खासकर सीमा जी से, कि आप जिस एरिया में काम कर रही हैं आजमगढ़ का अतरौली, वहाँ पे मोस्टली जो वीवर्स हैं वीमेन, उनमें ट्यूबरक्लोसिस बहुत है, तो क्या आप सब डॉक्टर्स जो हैं, मैं सिर्फ आप तीनों की बात नहीं कर रही हूँ, सभी का आपका प्लेटफॉर्म है, आपका एक ग्रुप है, पूरा एसोसिएशन है, क्या आप ये बात नहीं कह सकते कि ईस्टर्न यूपी में की तरफ से ये आवाज़ उठे कि बजट बढ़ाया जाए हेल्थ का, हेल्थ के बजट की बढ़ने की बात कीजिए, गरीब और ऑप्रेस्ड की बात है ये। जी बिल्कुल, अभी जब गरिमा जी ने आपसे ये सवाल पूछा था तो मैं उसमें ऐड करना चाहती थी अपनी तरफ से कि हमको हेल्थ और एडुकेशन का बजट बढ़ाने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए सरकार से, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जो आपने कहा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लोग जाना नहीं चाहते हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर को आप एकदम मजबूर कर रहे हैं कि वो जेनरिक मेडिसिन लिखे, लेकिन आप जाइए वहाँ पे CSC पे, PSC पे, आप देखिए कि एक पेशेंट हार्ट अटैक आया है, क्या उसके लिए जो जरूरत की दवाएं हैं वहां पे हैं? नहीं होती हैं। तो ऐसे में अगर डॉक्टर बाहर से दवाई लिखता है तो उसको आप जेल भेजते हो, तो वो क्या करेगा फिर? बिल्कुल, यानी देखिए बजट को तो बढ़ाना ही होगा सरकार। मैं चाहती हूँ कि आज हमारे इस मंच से जनता की आवाज और साथ ही साथ डॉक्टर्स की भी आवाज सुने, और स्वास्थ्य के लिए जो बजट है उसे और ज्यादा बढ़ाया जाए, ताकि इस देश को और स्वस्थ बनाया जा सके, ताकि स्वस्थ इंडिया आगे बढ़े और संपूर्ण विकास इस देश का हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मंच पर आने के लिए और हमारे साथ बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सवाल है कि मैंने एक पेपर पढ़ा था कि जब तक फास्टिंग 200 ना हो जाए, कहते हैं शुगर नहीं होती। दूसरी एक चीज़ ये पढ़ी कि आपकी जितनी एज है प्लस 100 मिला लीजिए, और उतना अगर आपकी शुगर है तो नॉर्मल है। और ये जो 110 का आपने क्राइटेरिया रखा है, कहते हैं ये डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा कॉकस है जो ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ताकि जो है आप लोगों को दवाई खरीदनी पड़े। सर ये मैं भी व्हाट्सएप में पढ़ा था, इसका उत्तर मैं आपको साइंटिफिक उत्तर बता रहा हूँ। सबसे पहले तो 110 नहीं है, फास्टिंग नहीं, फास्टिंग 126, मोर देन इक्वल टू 126, 126 या उससे ज़्यादा जब फास्टिंग हो, और 200 और उससे ज़्यादा खाना खाने के बाद पीपी हो, तब डायबिटीज़ का डायग्नोसिस होता है। ठीक, तो सबसे पहले 110 नहीं है क्राइटेरिया सर। नंबर टू, ये क्यों रखा गया? और पहले 200 कभी नहीं था, पहले जब मैं MBBS 1998 में पास किया हूँ सर, उस समय हम लोग पढ़ते थे 140 फास्टिंग, उसको घटा करके 126 किया गया 2003 या 2004 में किया गया। ये इसलिए किया गया कि शुरू में हमारे पास वो गलत लिखा हुआ है सर, वो गलत लिखा हुआ है। बिल्कुल, तो देखिए कई जगहों पर ऐसा भी होता है कि WhatsApp के फॉरवर्डेड मैसेजेस पर आप ज्यादा विश्वास ना करें। 126 फास्टिंग 200 पीपी अगर क्रॉस करता है तब आपका वो डायबिटीज है, जो शुरू में डायग्नोसिस के लिए। 126 ही क्यों रखा गया, पहले 140 का क्यों घटाया गया? क्योंकि पहले हमारे पास एविडेंस नहीं थे। एविडेंस ये है कि देखा गया कि 125 और 26 के ऊपर डायबिटीज, सबसे पहले आप जो कॉम्प्लिकेशन देख सकते हो डायबिटिक रेटिनोपैथी, आंख में जो पर्दे में जो डायबिटीज का असर होता है, वो सबसे पहले आप ऑप्थेल्मोस्कोप लगा करके तुरंत देख सकते हैं। किडनी फेलियर में टाइम लगेगा, हार्ट में माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन में टाइम लगेगा, तो आंख एक ऐसा जगह है जहां तुरंत देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन। मुझे लगता है प्रॉपर इसके लिए अगर कोई भी ऐसी चीज होती तो प्रॉपर डॉक्टर को आपको कंसल्ट करना चाहिए। स्टडी में देखा गया कि 25-26 में रेटिनोपैथी स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया अपने सवाल करने के लिए, और आप सबके भी बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए और अपनी बात हम सबके सामने रखने के लिए।